हेलो स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस आपको यहां पे और देते हैं। तीन क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। क्वेश्चन यहां पे दिया है 18, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 18, 19 और 20 दिया मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है। पहला है व्हाई एनहाइड्रस एचएफ लिक्विड इज नॉट इलेक्ट्रोलाइज अलोन टू गेट F2। 19 दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, F2 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लोराइड्स बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। अगला दिया एनहाइड्रस HCl इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल एक्वस HCl इज गुड कंडक्टर। फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म F3 नेगेटिव, दैट इज पॉलीहैलाइड आयन। अगला दिया है HF इज ए वीकर एसिड देन HCl, HBr और HI। अगला यहां पे दिया मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है, ये वाला मैट्रिक्स मैच है, मोर देन वन मैचिंग इज पॉसिबल। कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में आपका दिया है कंपाउंड्स, और कॉलम 2 में दिया है इनका प्रॉपर्टीज, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड है HCF2, HCF4, HCF6, HCO3। प्रॉपर्टीज दिया है P में अंडरगोज हाइड्रोलिसिस विद वाटर, Q दिया है एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला दिया है अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, और बिट एस दिया है हैज लोन पेयर और पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम दैट इज ज़ीनॉन। ये आपके तीन क्वेश्चंस हैं, आप तीनों क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए, ट्राई योरसेल्फ एंड देन सी द सॉल्यूशन पार्ट। तो आप आराम से वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, ट्राई कर लीजिए एंड देन कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। तो लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। यहाँ पर मुझे पहला क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं, why anhydrous HF liquid is not electrolyzed alone to get F2। रीजन क्या होता है, देखो when we take solution for electrolysis we should have strong electrolyte or sufficient concentration of ions which are oxidized or reduced। होता क्या है, when we take alone HF liquid, anhydrous HF liquid क्या होता है, HF liquid it is a weak electrolyte, weak electrolyte। तो व्हेन इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट देन व्हाट हैपेंस, इट इज ए पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो HF फॉर दैट रीजन अलोन इज नॉट टेकन, देन व्हाट इज टेकन, देन टू गेट इन द रिएक्शन F2 क्या लेंगे इसमें, मिक्सचर ऑफ HF एंड KF इज टेकन फॉर दिस पर्पज। क्यों होता है, बिकॉज वेन वी एड KF टू HF क्या बनता है, यहां पर HF एंड KF विल रिएक्ट, तो पहले बनता है आपका K प्लस आयंस प्लस HF2 नेगेटिव आयंस, और ये क्या होता है HF2 नेगेटिव आयन, दे बिकम दिस कंपाउंड बिकम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका जो पर्पज क्या होता है, यहां पर हम HF में KF को एड करते हैं, तो पर्पज होता है KF का यहां पर एडिशन का, टू मेक द मिक्सचर मोर कंडक्टिंग, और होता क्या है मोर कंडक्टिव होने से आपका इट बिकम गुड कंडक्टर, मींस देन रिएक्शन कैन हैपन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इजीली। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे इसमें। ये क्वेश्चन एग्जाम में और पूछते हैं, इसमें दो क्वेश्चन और इनफेक्ट बन सकते थे, कि एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई KF कैन कंबाइन विद HF टू फॉर्म KHF2, व्हाइल सेकंड सिमिलर कंपाउंड ऑफ HCl एंड KCl और HBr and KBr is not observed। इसका देखो रीजन क्या होता है, ये जो कंपाउंड बनता है इसका रीजन क्या है, ऐसे अनायन का स्टेबिलिटी होने का, इसका रीजन ये होता है कि F नेगेटिव आयन विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद HF मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, F नेगेटिव आयन फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड विद HF मॉलिक्यूल्स, स्ट्रॉन्गर देन प्लेन सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है, F पे फुल माइनस चार्ज होगा, H पे डेल्टा प्लस इज सफिशियंट, therefore this is stabilized and remain in this form। जबकि क्या होता है HCl, HBr, HI they are unable to form hydrogen bonding with halide ions, therefore they cannot form such corresponding compound। ये काफी common question आता है इसमें। product क्या बनता है, F negative at anode oxidation will take place now of F negative ion, तो क्या बनता है F2 gas at anode। ये हमारा अगला question number 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, लिखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। 19 नंबर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसका बिट ए क्या है, F2 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लोराइड बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। इसका रीजन क्या होता है,
F2 का जो E नॉट आरपी वैल्यू है, F2 विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 F नेगेटिव इन एक्वस, क्या बनता है इस केस में? E नॉट आरपी वैल्यू ऑफ गिवन इज गिवन प्लस 2.87 वोल्ट। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, इट इज हाईएस्ट फॉर फ्लोरीन, इसको कहते हैं SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट अमंग ऑल एलिमेंट्स, अमंगस्ट एलिमेंट्स। तो क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है इसको अगर हमें ऑक्सीडाइज, अगर हमको केमिकल ऑक्सीडेशन करना होगा HF का, F नेगेटिव आयन का, तो क्या होना चाहिए? हमें ऐसे कंपाउंड लेने पड़ते हैं जो कैसे होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फ्लोरीन इटसेल्फ। तो चूंकि इसका इनोटार्पी सबसे हाईएस्ट है, तो होता कैसे, F2 बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयरफॉर ऑक्सीडेशन ऑफ F नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल बाय अदर केमिकल सब्सटेंसेस, एंड देयरफॉर वी कैन से केमिकल ऑक्सीडेशन कैन नॉट हेल्प अस इन प्रिपरेशन ऑफ F2 फ्रॉम फ्लोराइड्स। क्योंकि इसको अगर हमें बैकवर्ड रिएक्शन भेजना है तो हमें क्या चाहिए, ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसका इनोटार्पी इस वैल्यू से बढ़ा हो। तो कोई ऐसा कंपाउंड और है ही नहीं, कोई भी आपका और ऐसा एलिमेंट नहीं है विच कैन ऑक्सीडाइज F नेगेटिव एंड टू F2 बैक। अब आते हैं क्वेश्चन बिट बी में, बी में क्या होगा इसमें, जो बिट बी पे दिया है उसका रीजन क्या है, एनहाइड्रस HCl इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, व्हेन टेक एनहाइड्रस HCl इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो व्हेन इट इज कोवेलेंट इट इज नॉट आयनाइज्ड, इट डज नॉट हैव आयंस, फ्री आयंस टू शो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। While in aqueous solution क्या होता है, in aqueous solution HCl undergo dissociation, तो क्या बनेगा, HCl aqueous will break to form ions hydrogen plus plus Cl negative ions, in aqueous medium HCl behave as strong electrolyte, क्या होता है aqueous medium में HCl क्या होता है, behaving as strong acid, strong acid का meaning क्या होता है, also strong electrolyte, तो क्या होगा, strong electrolyte होने से In solution it is completely dissociated. Therefore, concentration of ion is high. So in solution, aqueous medium will become good conductor of electricity. तो ये हुआ हमारा bit number B. अब आते हैं bit number C पर. Bit C हमको दिया इस question का reasoning में. F does not form F3 negative ion. देखो अगर हम बात करेंगे, एक example है common. I negative ion plus I2 can form I3 negative ion. होता क्या है, I3 negative ion के अंदर it have sp3d hybridization, geometry और shape क्या होता है around iodine, shape become linear, iodine have 3 lone pair and 2 sigma bonds, one iodine have negative 1 formal charge, this central iodine taken here will have 10 electrons, दो bond है और आपका electron 6 होंगे। तो होता क्या है इस केस में, hybridization हुआ sp3d using d orbital, such kind of anion formation is possible. Fluorine में क्या होता है, fluorine does not have vacant d orbitals, ऐसा compound क्यों होता है, since fluorine does not form f3 negative ions due to non availability of vacant d orbitals, non availability of vacant d ऑर्बिटल्स, हो गया इसका आंसर। तो ये हुआ हमारा बिट नंबर सी। आ गए थे बिट डी पे, HF इज अ वीकर एसिड। देखो नॉर्मली हम सोचते हैं कि HF के अंदर जो दो एटम है H और F, उनके अंदर हाई डिफरेंस है किसका, दे आर मोर डिफरेंस ऑफ एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे आर मोर डिफरेंस ऑफ एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो वी मे एक्सपेक्ट, वी कैन एक्सपेक्ट दैट HF should be stronger acid than HCl, HBr, HI, but नहीं है, ये weak acid होता है compared to HCl, HBr, HI all three. इसका रीजन क्या होते हैं, विद्धि का आपका जो रीजन आएगा इसमें, फर्स्ट रीजन कैन बी टेकन, HF is stronger bond, bond length कब होगा ना इसमें, इज stronger bond, क्यों होता है, due to small size ऑफ फ्लोरिन। इससे होता क्या है, अगर आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ कम होता है, तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी हाई होगा, कंपाउंड को बिहेव करना है एज एसिड, तो इसमें HN को रिलीज करना पड़ता है, और यहां पे क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड
द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन बिकम डिफिकल्ट, द रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन बिकम डिफिकल्ट। तो अगर एच आयन का लॉस डिफिकल्ट होगा उस केस में क्या होगा कंपाउंड, वीक एसिड। एक तो ये रीजन है, और सेकंड आपका रीजन आता है इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो होता क्या है, वो एच आयन को निकालना है, वो एच आयन कहां पे इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। मान लो हमको एच आयन को निकालना, तो पहले हमको एच आयन को निकालने से पहले जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है उसको निकालने से पहले, इस बॉन्ड को ब्रेक करने से पहले आपको वीकर बॉन्ड जो होते हैं उनको ब्रेक करना पड़ता है। वीकर मींस कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड वीक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ज्यादा रिक्वायर्ड होगा एनर्जी, HCl, HBr, HIb का आता है नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो क्या होगा, इन दोनों फैक्टर से अगर निकले कंबाइंडली HF बिकम वीक एसिड, व्हाइल रिमेनिंग थ्री ऑल द थ्री कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारा बिट सी और डी का आंसर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20th, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला इसमें दिया है मैट्रिक्स मैच में, आपको मैट्रिक्स मैच में क्या होता है, हर एक बिट को एक पूरा क्वेश्चन मानना पड़ेगा, फिर आप सब ऑप्शन मैच करेंगे, इसमें से कौन सा मैच कर सकता है मैच नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 20th का, यस विजिबल। 20th में क्या दिया है, पहला HCF2 अंडरगो हाइड्रोसिंथेसिस वाटर में, तो इसमें हमें, मैं आपको पहले आंसर बोल दे रहा हूं, फिर आपको डिस्कस कर लेते हैं इसको। इसका आंसर रहेगा इसमें ए का, एबीसी तीनों में सेम आंसर रहेगा, पी क्यू आर एस। डी में खाली डिफरेंस रहेगा, एबीसी में ए का भी पी क्यू आर एस, बी का पी क्यू आर एस, सी का पी क्यू आर एस, और डी में क्या आएगा आपका क्यू एस। ये आपके दो आंसर आएंगे इसमें। ये कैसे होगा, ये आपको हुआ इस क्वेश्चन का आंसर्स, ये कहां से आपको मिले आंसर्स, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन। पहला हम देखते हैं HCF2 का जो रिएक्शन दिया है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा। HCF2 में देखो जीनॉन फ्लोराइड क्या होते हैं, दे अंडरगो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑल जीनॉन फ्लोराइड्स। थोड़ा सा रिएक्शन स्लो होता है HCF2 का, बट बाकी दो कंपाउंड होते हैं HCF4 एंड HCF6 क्या होता है, दे आर रिएक्टिंग वायलेंटली विद वाटर एंड अंडरगो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो तीनों का हुआ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसका नहीं होता है डी वाले का। अगला था एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल कंपाउंड ऑफ जीनॉन, जीनॉन क्या, जीनॉन में क्या है, नोबल गैस है, कोई भी नोबल गैस में क्या होता है, उनका जो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है वही स्टेबल होता है, क्योंकि नोबल गैस कोर ही स्टेबल होती है। तो अगर हमारे कोई भी कंपाउंड बनेंगे जीनॉन के, तो क्या होता है, दे ट्राई टू कन्वर्ट बैक टू जीनॉन, तो क्या होगा, ऑल कंपाउंड ऑफ जीनॉन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आपका समय ऑप्शन फिट हो जाएगा ए बी सी डी में, क्यू क्यों आपका यहां भी आ जाता है लास्ट वाले में भी, क्योंकि कोई भी कंपाउंड है जीनॉन का उसका जो नोबल गैस कोर होता है स्टेबल होता है। तो अगेन अगर कंपाउंड बन भी गया हमारा तो वो ट्राई करते हैं वापस नोबल गैस में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि नोबल गैस में कन्वर्ट होने से क्या होता है, उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कोर उनको वापस मिलता है, और उससे क्या होता है उसका जो स्टेबिलिटी होता है वो अक्वायर कर लेते हैं वापस, इसलिए ऐसा होता है। तो अगला है अंडरगो एडिशन रिएक्शन, ये प्रॉपर्टी आपको शो करेंगे जीनॉन फ्लोराइड्स। अगर हम बात करते हैं With F negative and donor, they can form, इसमें आपका ये आता है स्पेशली है, they can form what here, fluoro anions, while F negative and acceptor, they can form in the reaction what, cations, तो अभी दिखाएंगे इसका reactions, addition reaction हुआ तीन compound का, इसका भी पता है, lone pair of electrons के लिए shape आपको draw करना पड़ेगा इसका, एक बार सबका shape draw कर लेंगे तो lone pair देख सकते हैं। लोन पर समझ आता है इस केस में, ऑलरेडी हम शेप को पढ़ा चुके थे थ्योरी पार्ट में, वी कैन अगेन डिस्कस वंस मोर। तो देखते हैं वन बाय वन, पहला क्या होता है रिएक्शन देखते हैं कंपाउंड बी के, बी 20th में कंपाउंड हमारा दिया है HCF2, इसका रिएक्शन कौन सी होंगे उसको हम समझते हैं। पहले इसका रिएक्शन होगा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ में रिएक्शन होता है, ये कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या बनता है इसमें, टू जीनॉन प्लस टू एच एफ प्लस ओ टू गैस, यहां पर आपका हुआ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर क्या हुआ, कंपाउंड आपका जीनॉन बन गया। अगला आता है HCF2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद हाइड्रोजन, इट कैन फॉर्म जीनॉन प्लस टू एच एफ, काफी कॉमन रिएक्शन है, तीनों इनफेक्ट हैलाइड्स के लिए ये रिएक्शन देख सकते हो, जब क्या है, दे आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
तो इट कैन फॉर्म Xc प्लस 2HF। तो यहाँ पर क्या है, XCF2 इन द रिएक्शन एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल्सो XCF2 कैन ऑक्सीडाइज HCl। तो क्या बन गया आपको यहाँ पर, जीनोन प्लस 2HF प्लस Cl2, जीनोन ऑक्सीडाइज Cl नेगेटिव टू फॉर्म जीनोन प्लस इसका बनेगा Cl2 गैस। तो आपका ये भी एग्जांपल है, इस रिएक्शन में क्या है, XCF2 एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर अगला क्या होता है इसका, यहां पर XCF2 जो हमारा एडिशन रिएक्शन होगा विद F नेगेटिव आयन एक्सेप्टर, दे कैन डोनेट हाइड्रोजन F नेगेटिव आयन, जैसे XCF2 का रिएक्शन हमने किया PF5 से, तो ये होगा आपका एक तरह से एडिशन रिएक्शन। यहां पे कौन सा होगा, एडिशन रिएक्शन क्या बनता है, HCF प्लस और क्या बनेगा, PF6 माइनस। ये क्या होता है, F नेगेटिव आयन एक्सेप्टर, तो यहां पे F नेगेटिव लॉस कर देगा कंपाउंड, यहां से मींस एक्टिंग एज लुईस एसिड। तो ये आपका होगा एक तरह से एडिशन रिएक्शन। तो आपका इसमें और लास्ट मिनट बचा लोन पर के लिए, आपको शेप देखना पड़ता है। तो इसका शेप क्या होता है, XCF2 का जीनोन का यहां पे होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d, तीन लोन पेयर है जीनोन के ऊपर, ऑल द थ्री लोन पेयर ऑक्यूपाइंग द इक्वाटोरियल पोजीशन, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, शेप इज लीनियर, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो जीनोन पे लोन पेयर है, इसमें तीन लोन पेयर जीनोन के ऊपर है। तो ये हमारा हुआ बिट नंबर ए। ए में कौन से आपका ऑप्शन मैच कर गया, PQRS क्लियर हुआ पहला ए का। आपको मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन मिलता है कभी भी, तो आपको हर एक बिट को सभी ऑप्शन से मैच करके देखना पड़ता है कि कौन से इसमें बिट फिट होंगे। ओके, तो एक हुआ क्वेश्चन 20th का बिट ए। अब आते हैं बिट नंबर 2 पर। हमारा जो बिट बी है XCF4 के बारे में, तो XCF4 में क्या है, पहला देखते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, यस होता है। तो रिएक्शन ऑफ XCF4 विद वाटर 12H2 से रिएक्शन करते हैं यहां पे, तो क्या बनता है, इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसमें क्या बनता है रिएक्शन आपका होगा, इसमें रिएक्शन ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, और प्रोडक्ट बनता है जीनोन प्लस XCO3 प्लस 24HF प्लस 3O2। ये आपका बैलेंस रिएक्शन दिया मैंने डायरेक्टली है। यहां पे ऑलरेडी आपको थ्योरी पार्ट में रिएक्शन दिखाया हुआ है। XCF4 में क्या होता है, व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज, तो यहां पे है रिएक्शन ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन, जीनोन भी बनता है प्लस बनता है XCO3। तो ये हुआ पहला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगला है एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस XCF4 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद लाइक मेटल्स मर्करी, इट कैन फॉर्म जीनोन प्लस HgF2। तो यहां पे इसमें क्या होगा, एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, XCF2 कैन ऑल्सो रिएक्ट विद XCF4 कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन 2 मोल्स, तो बनेगा Xc+4HF। यहां पर भी क्या है, इस रिएक्शन के अंदर जीनोन टेट्राफ्लोराइड एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका एग्जांपल हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। फिर है अंडरगो एडिशन रिएक्शन, यस होगा विद F नेगेटिव एंड डोनर अगेन एक्सेप्टर, दे कैन शो दिस रिएक्शन XCF4 प्लस SbF5, इट कैन बी कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। इसमें एडिशन होगा, इसमें तो क्या बनेगा, XCF3 प्लस और यहां बनेगा SbF6 माइनस। तो ये एग्जांपल आपका हो गया एडिशन रिएक्शन का। एक में एडिशन हुआ, इस कंपाउंड में एडिशन कर दिया इसने, तो ये हुआ एडिशन रिएक्शन का। अगला शेप के लिए, तो इसमें शेप क्या होता है, XCF4 का ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल, बट शेप में दो लोन पे रहेंगे और आपके बचेंगे चार लोन सिग्मा बॉन्ड्स। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन केस में आता है sp3d2, इसमें आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और इसमें लोन पेयर दो होंगे सेंट्रल एटम के पास। शेप को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, शेप इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसमें हमारा मैच कौन सा करेगा, ऑप्शन देखते हैं बी ऑप्शन के लिए। पहला हुआ अंडरगो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, फिर ये आपका रिएक्शन हुआ रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पी क्यू आर भी हो गया एडिशन रिएक्शन का, और एस आएगा इसमें लोन पर दो है जीनोन के ऊपर। तो इससे हमारा प्रूव होता है बिट नंबर बी के करेक्ट ऑप्शन ABCD, क्या PQRS। अब आते हैं नेक्स्ट बिट पर।
ये हुआ बिट नंबर बी। नाउ टेक बिट नंबर सी। सी में हमारा कंपाउंड है HCF6। आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ जितना क्वेश्चन करोगे आपको रिएक्शन आ जाएंगे, सिंपल तरीका है। अगला आते हैं बिट सी पर, HCF6 का। इसका रिएक्शन होगा, पहला रिएक्शन है HCF6 अंडरगो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनता है, तीन स्टेप में था इसका रिएक्शन। पहले स्टेप में था HCOF4, फिर HCO2F2, लास्ट में था HCO3। तो यहां पे बनेगा प्रोडक्ट HCO3 + 6HF। ये हमारा पहला रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगले आते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCF6 कैन ऑक्सीडाइज H2 गैस। तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट में, यहां पे जीनोन प्लस 6HF। तो यहां पर क्या है, HCF6 एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जीनोन बनेगा प्लस HF बनता है। फिर अगला रिएक्शन है सीजियम फ्लोराइड, ये होता है एफ नेगेटिव एंड डोनर विद देम, इट्स एडिशन रिएक्शन। तो क्या बनेगा, सीजियम प्लस और HCF7 नेगेटिव आयन। तो यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा आपका एडिशन रिएक्शन, ये हो जाएगा एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां तक हमारा हुआ। और अगला आता है इसमें शेप, शेप को बोलते हैं क्या, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल शेप होता है इसका, शेप का नाम होता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल शेप, जीनोन है यहां पर, छह एटम फ्लोरिन होते हैं और एक क्या होता है लोन पेयर, चेंजेस पोजिशन रेपिडली अलोंग ऑल एट फेसेस ऑफ द रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नाम होता है शेप का कैप्ड ऑक्टाहेड्रल शेप, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, जहां पर जीनोन पर एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास। तो इसका क्या ऑप्शन मैच करेगा, ए का, सॉरी सी बिट का, पी हुआ पहला बिट, ये हुआ आपका क्यू, ये आपका हुआ बिट आर, और ये शेप में आपको एस, तो पी क्यू आर एस। इसके लिए हमारे सारे ही बिट आपके मैच करेंगे सी के लिए भी, ठीक है। तो ये हुआ सी बिट। अब आते हैं बिट नंबर डी पर, बिट डी में क्या होगा, बिट डी में क्या है, HCO3 का देखो पहला है अंडर वो हाइड्रोसिस, कोई मिनी बनता नहीं है विद वाटर, नो रिएक्शन, बट इन बेसिक मीडियम रिएक्शन होता है। तो क्या बनता है, अगर हम रिएक्शन करते हैं HCO3 का OH नेगेटिव आयन के साथ में, तो यहां पर क्या होता है OH नेगेटिव में बनता है पहले HXCO4 नेगेटिव आयन, नाम होता है जीनेट आयन। और फिर क्या होता है अगले स्टेप में, जो जीनेट आयन होता है 2HXCO4 नेगेटिव आयन, नाम होता है जीनेट आयन। इसका अगले स्टेप में फिर से रिएक्शन होगा OH नेगेटिव में, तो क्या बनता है HCO6 4 नेगेटिव आयन प्लस जीनोन। यहां पे आपका रिएक्शन बेसिकली कन्वर्ट होगा इसमें पर जीनेट आयन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इनफैक्ट वी कैन कॉल इट रिएक्शन ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप। जीनोन बनेगा प्लस O2 प्लस H2O, ये बनता है पर जीनेट आयन, नॉट रिएक्टिव विद वाटर बट विद OH नेगेटिव आयन कैन रिएक्ट। तो इसलिए हम ऑप्शन पी इसमें नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहां पर रिएक्शन प्योर वाटर से नहीं है, रिएक्शन किसमें होता है OH नेगेटिव प्रेजेंस में, तो बनता है पर जीनेट आयन। तो आपका ऑप्शन पी नहीं हो सकता है, इसमें क्यू हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, कंपाउंड कोई भी जीनोन का होते हैं दे ट्राई टू कन्वर्ट टू लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। इनफैक्ट अगर हम HCO3 को लेते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका जो वैल्यू आता है E0RP का काफी हाई होता है। इसका जो वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, ये होता है वैल्यू आपका अराउंड 2.10 वोल्ट, एक स्ट्रॉन्ग हाई वैल्यू है इंडिकेटिंग दैट HCO3 विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर वो एडिशन रिएक्शन। कोई इस टाइप का रिएक्शन नहीं दिखता है इसका। लोन पेयर तो शेप हम ड्रॉ करते हैं, HCO3 में शेप क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें sp3, और एक लोन पेयर है शेप का नाम होता है पिरामिडल लाइक अमोनिया। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया, QS ऑप्शन हम जो मैच कर रहे हैं इसमें वो होता है QS, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 20 तक यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21।
कंपेयर ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन इन फॉलोइंग टर्म्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिएक्टिविटी, बॉन्ड एनर्जी, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस. देन 22 दिया है, आइडेंटिफाई ग्रुप 16 एलिमेंट दैट कैन फिट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. ए है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी सेमी मेटल, सी रेडियो एक्टिव, डी मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट. अगला क्वेश्चन यह है 23, आउट ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, वीकर एसिड, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, एसिड दैट अटैक्स ग्लास, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, एसिड दैट हैव बीन यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट. अगला 24, आइडेंटिफाई ए एंड बी, ब्रोमीन प्लस OH नेगेटिव हॉट गिव ए प्लस बी, ए प्लस बी विल रिएक्ट अगेन एन HN फ्रॉम ब्रोमीन, ए गिव येलो पीपीटी विद सॉल्यूशन ऑफ AgNO3. ओके, तो आपका एक क्वेश्चन दिया है, आप आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए एंड देन चेक योर सॉल्यूशन. नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, पहला दिया है कंपेयर द एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स दिया है, तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन एकदम है. आउट ऑफ दीज टू एलिमेंट विच एलिमेंट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगेन फ्लोरिन, नो डाउट ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन में क्या होता है, फ्लोरिन का ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर रिएक्टिविटी, फ्लोरिन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग द नॉन मेटल्स. एंड बॉन्ड एनर्जी टर्म्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, O2 हैव डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2, F2 हैव सिंगल बॉन्ड, तो O2 विल बी हायर देन F2. कोवेलेंट रेडियस, इन एटम O इज बिगर देन फ्लोरिन, क्या होता है मूविंग अलोंग द पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. आपका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होता है अलोंग द पीरियड. अगला है आयनिक रेडियस, O2 नेगेटिव इज बिगर देन F नेगेटिव आयन. 22 दिया है, आइडेंटिफाई ग्रुप 16 एलिमेंट्स दैट कैन फिट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा 16 ग्रुप में, ऑक्सीजन पहला मेंबर. सेमी मेटल कौन सा होगा इसमें, देखिए आपका डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटलिक करेक्टर इंक्रीजेस, O एंड सल्फर आर वी कैन से नॉन मेटल्स, देन नेक्स्ट कैन हैव सम मेटलिक प्रॉपर्टीज, मेटलॉइड्स एंड वी कैन फिट बेटर हियर, मोर मेटलिक साइड टेलुरियम, रेडियोएक्टिव होता है पोलोनियम, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन. नंबर एक पे ऑक्सीजन आता है, नंबर दो पे सिलिकॉन है. अगला आता है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ द HF, HCl, HBr, सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड कैन ब्रेक मोर इजिली, द कंपाउंड कैन सप्लाई HN मोर इजिली. वीकर एसिड्स में एक ही है HF, HF इन एक्वस मीडियम सो पार्शियल डिसोसिएशन, रिमेनिंग कंपाउंड इन एक्वस मीडियम दे शो कंप्लीट डिसोसिएशन इन टू आयंस. मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा इसमें, HF का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज लिक्विड, एट लिक्विड रिमेनिंग आर गैसियस कंपाउंड्स, एसिड दैट अटैक ग्लास इज HF. मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट भी HF का आता है क्योंकि डिफरेंस ज्यादा होता है एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो मोर पोलैरिटी रहेगा. एसिड दैट हैव बीन यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ये भी आपका HFE का प्रॉपर्टी है. अगला है 24 में, आइडेंटिफाई ए एंड बी, ब्रोमीन प्लस OH, ये आपका कॉमन रिएक्शन था, यू कैन टेक ब्रोमीन अंडर गो रिएक्शन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, ब्रोमीन अंडर गो रिएक्शन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन इन प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH टू गिव व्हाट, पहले में रिएक्शन का ब्रोमीन प्लस 6 OH नेगेटिव आयन गिव 5 Br नेगेटिव आयन, कॉमन रिएक्शन है, प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस वाटर, 3 वाटर फेल बैलेंसिंग. तो यहां पे होता है रिएक्शन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन पहले स्टेप में, तो एक A और एक B होगा. आगे लिखा है A प्लस B का रिएक्शन फिर से क्या हमने 5 Br माइनस प्लस BrO3 माइनस इन एसिडिक मीडियम क्या आपको देगा, ब्रोमीन प्लस वाटर, कितना वाटर रहेगा 3 वाटर, तो 6 हाइड्रोजन प्लस आयन फॉर रिएक्शन बैलेंसिंग. यहां पे लिखा है ए गिव येलो पीपीटी विद AgNO3, तो ए आपका हो जाएगा इसमें Br नेगेटिव आयन और ये आपका बी हो जाएगा आपका BrO3 माइनस आयन. देन
ये प्रॉपर्टी हमारा किसका है, गिविंग येलो पीपीटी विद सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 प्रॉपर्टी ऑफ Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव माइनस A, इसको हम A ले लेंगे Br नेगेटिव आयन को, बिकॉज़ एक दिस कैन गिव येलो पीपीटी विद सॉल्यूशन ऑफ आपका A हो जाएगा Br नेगेटिव आयन विद AgNO3, किसका देगा येलो पीपीटी, येलो पीपीटी ऑब्टेन ऑफ AgBr, AgBr इज गिवन एज येलो पीपीटी इन द गिवन केस. ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बच्चे लोग हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर तीन हमारे क्वेश्चन यहाँ पर है. पहला क्वेश्चन है 25, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, अरेंज HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज गिवन, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग पावर, एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन. अगला दिया है विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन ईच पेयर, HClO, HClO2, आपका पेयर दिया नाम से पढ़ सकते हैं आराम से. अब ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए एंड देन वी विल डिस्कस आंसर्स. नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, आई होप अपने क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, उसके बाद ये सॉल्यूशन चेक करिए. पहले में क्या आएगा, प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन Kf प्लस IF5, IF5 क्या होता है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, दिस कैन एक्ट एज व्हाट, F नेगेटिव आयन, दिस बोथ दे कैन एक्ट एज F नेगेटिव आयन एक्सेप्टर. तो क्या आएगा पहले केस में, K प्लस IF6-, यहां पे क्या बनेगा, Cesium प्लस IF6-. अगला है KCl प्लस ICl का जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, दे कैन फॉर्म अगेन कंपाउंड, इस तरह से बनता है K प्लस ICl2-, आयनिक रिएक्शन होंगे, इसमें डिकम्पोज होगा हीट करने पर, तो सीजियम आयोडाइड प्लस Au2 बनेगा. यहाँ पे क्या होता है Rb, इसको हीट पर डिकम्पोज होगा, बैकवर्ड रिएक्शन आपका होगा और फॉरवर्ड होता है. जब ये डिकम्पोज होते हैं तो क्या होता है, जब आयनिक कंपाउंड बनता है उसमें क्या होना चाहिए, हाई लैटिस एनर्जी, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल गो विद द एल्कली मेटल्स. तो यहाँ पे का RbCl प्लस ICl, यहाँ पे KCl प्लस IBr, यहाँ पे क्या हुआ I2 प्लस, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है AlCl3 इज एक्टिंग एज लुविस एसिड, विल टेक अप Cl नेगेटिव आयन एंड विल फॉर्म व्हाट AlCl4-, तो I प्लस बचेगा वो आएगा I2 के पास, तो क्या बनता है I3 प्लस AlCl4-, इस टाइप का बनता है एडिशन प्रोडक्ट. ये हमारा क्वेश्चन 25 पहले हो गया. अब इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं इस तो क्वेश्चन को यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेता हूँ, अदरवाइज उसको मिटाना पड़ेगा. तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को. देखो सेंट्रल एटम अगर सेम होता है तो हमारा बेसिक नियम क्या होता है, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम मोर द कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ. तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है +1, यहाँ +3, तो इन दोनों में से ये ज्यादा एसिडिक होता है. यहाँ पे भी सेम रीजंस, Cl का स्टेट +7, यहाँ +5 है. HCl और HI में क्या होता है, डाउन ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिकम डिक्रीजेस, सो दिस कंपाउंड कैन गिव HN मोर रिजिडिटी देन HCl इन HIO4 एंड HClO4. अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है तो इसमें क्या लगता है आपका रूल, कि अगर हमारा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है किसमें, ऑक्साइड्स में या ऑक्सो एसिड्स में, तो मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम द कंपाउंड इज मोर एसिडिक नेचर, बिकॉज देन इट कैन एग्जिबिट मोर नेगेटिव आई इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. तो इन दोनों में से इसका ज्यादा होगा. HNO3 और HNO2 में किसका ज्यादा होता है, सेम रीजन, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +3 स्टेट है, तो हाई ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर एसिडिक. यहाँ भी सेम रीजन, +6 है, +4 है. इनमें थोड़ा सा स्पेशल केस आता है, इनके अंदर डिफरेंस बहुत कम होता है, वी नॉर्मली राइट देम ऑलमोस्ट सेम ईच पेयर. इनफैक्ट ऑल थ्री कंपाउंड देखा है यार, H3PO2, H3PO3, H3PO4 आर नियरली सिमिलर इन द एसिडिक स्ट्रेंथ. थोड़ा सा डिफरेंस आता है तो क्या होता है, स्लाइटली मोर होता है इसका, इसका स्लाइटली मोर होता है. इस ऑक्सीडेशन नंबर रूल का ये एक वायलेशन होता है, इस ऑक्सीडेशन नंबर रूल का ये एक वायलेशन होता है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का रूल फिट नहीं होता है. इनका नॉर्मली हम सेम बोलते हैं, ऑलमोस्ट सेम बट स्लाइटली मोर होता है इसका इससे, और इसका बड़ा होता है H3PO4 से. रीजन क्या होता है, जो नेगेटिव इफेक्ट है सिंगल पीओ का,
वो बटेगा आपका तीन पार्ट में या दो पार्ट में, यहाँ पे सिंगल पार्ट में। रेजोनेंस में बराबर होता है कंजुगेट बेस में एक एच एन निकालने के बाद, तो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट स्लाइट डिफरेंस आएगा। तो इसका स्लाइटली मोर देन दिस, इसका स्लाइटली मोर देन दिस। एच एफ इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे भी सेम कहानी। एच आई हेलोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरिन टू आयोडीन द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन 27। अब आते हैं क्वेश्चन 26 पे, थोड़ा स्पेस हमको रिक्वायर्ड था, मिल गया। हम आते हैं अगले एग्जांपल पे, अरेंज द एच ओ सी एल। इसमें क्या देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो जो पहले बिट का आंसर क्या होगा, 26 का बिट वन का आंसर क्या होगा, इसमें ए का आंसर। एच सी एल ओ में ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है, यहाँ प्लस थ्री है, फिर प्लस फाइव होता है और फिर प्लस सेवन होता है। ये वो पहला स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ में आपको आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होता है, जितना ज्यादा जितना कम स्टेबिलिटी है उतना ज्यादा होता है इसमें। इसमें होता है एच सी एल ओ मोर, एच सी एल ओ फोर इज लीस्ट होता है, एच सी एल ओ थ्री। पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम उसमें इसको लिखते हैं ऑर्डर को, यहाँ पे अमंग देम एच ओ सी एल इज स्ट्रॉन्गर एसिड, देन सबसे कम होता है ये वाला। रीजन क्या होता है इसका, स्टेबिलिटी। एच सी एल ओ फोर इज थर्मली मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस हायर बॉन्ड ऑर्डर, इसलिए जितना ज्यादा कंपाउंड का स्टेबिलिटी है उतना ही कम होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। सी में आएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एच सी एल ओ थ्री, एच सी एल ओ लेस एसिडिक देन एच सी एल ओ टू। ऑलरेडी डिस्कसिंग थ्योरी पार्ट, डिफरेंट रीजन आर देयर विच एक्सप्लेन द कंपाउंड एसिडिक स्ट्रेंथ। रेजोनेंस इन कंजुगेट बेस विल बी हाइयर इन दिस केस, नेगेटिव इफेक्ट इज मोर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस केस। तो फॉर डिफरेंट रीजन हम बोल सकते हैं इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा इन कंपाउंड में से। बिट डी क्या दिया है, थर्मल स्टेबिलिटी, इसका भी ऑर्डर सेम होता है। जितना आपका हायर होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होता है, थर्मल, देखिए थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द गिवन केस। तो जो ऑर्डर हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का है उसका ऑर्डर उल्टा आएगा किसका, ऑक्सीडाइजिंग पावर का। अब लेस्ट रहता है परसेंटेज एस करेक्टर, तो सेम इन ऑल केस। एक्चुअली है क्या, सब केस में क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो होता है sp3, तो सब केस में क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसका मतलब sp3 में कितना होगा परसेंटेज एस करेक्टर, 25%। तो सब में सेम होगा, 25% एस करेक्टर इन ऑल केसेस, क्योंकि सब में क्या है, जो क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो अगर आप क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ऑक्सीडेशन, सॉरी, देन द परसेंटेज एस करेक्टर विल बी सेम इन ऑल केसेस। ओके चलिए नेक्स्ट, नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे ये तीन क्वेश्चन और हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग। पहला है HClO4 प्लस P2O5 गिव ए प्लस बी। ए का रिएक्शन क्या KOH में तो सी बनता है, इसका भी रिएक्शन क्या KOH में तो सी बनता है। तो इन द रिएक्शन सीक्वेंस आइडेंटिफाई एन ए बी सी। 29 दिया क्वेश्चन यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन जीनोन एटम्स XeO3, XeF2, XeF4 एंड XeF6। अगला क्वेश्चन दिया है ए बिट है XeF2 एग्जिस्ट एज इन ASF5, XeF6 एग्जिस्ट एज इन HF, XeF6 एग्जिस्ट एज इन RBF। आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं, तो ट्राई करो पहले तीनों क्वेश्चन को एंड देन वी डिस्कस सॉल्यूशन और यू कैन आस्क आंसर्स। तो हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें उसको देखते हैं, आइडेंटिफाई ए बी सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या है, HCl4 ये कंपाउंड क्या होता है, इट इज एक्टिंग एज डीहाइड्रेटिंग एजेंट। सो 28 क्वेश्चन क्या होगा, HClO4 अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन और क्या आपका बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ इंटेक ऑफ HClO4 विद P2O5 इन द रिएक्शन देंगे प्रोडक्ट Cl2O7 और ये आपको बनेगा HPO3। ये हमारा कंपाउंड ए होगा, ये बी होगा। ए और बी कैसे पता चला, क्योंकि इसका रिएक्शन किया हमने KOH में तो क्या बनता है KClO4 बनेगा, 2 मोल्स में KClO KOH का,
आपने देखा KClO4 2 मोल्स प्लस वाटर, और अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं इसका KOH में तो क्या होगा, इट फॉर्म पोटेशियम परक्लोरेट, तो ये हमारा कंपाउंड हुआ आपका सी, सॉल्ट है पोटेशियम परक्लोरेट, ए होगा CH2O7, यहाँ पे कंपाउंड क्या है P2O5, इट इज एक्टिंग एज डी हाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को निकाल देगा तो क्या बनेगा, इट इसमें कन्वर्ट होगा HPO3, मतलब मेटा फॉस्फोरिक एसिड, वेयर फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन नंबर इज +5, रिटेन द ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा, यहां भी +5 था ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का, यहां भी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 ही रहता है। ये हुआ क्वेश्चन 28। नाउ टेक क्वेश्चन 29, तो यहां पर आपको निकालना हाइब्रिडाइजेशन, तो इफ यू टेक इन HCO3 HCF2 HCF4 HCF6, इसमें क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है, बहुत इजी तरीका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, इसमें होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनोन, यहां पे होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, आपको सब पढ़ाया हुआ थ्योरी पार्ट में भी, और यहां पे होगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, इस केस में कितना आएगा परसेंटेज s करेक्टर, इसमें आएगा 1/4 मींस 25%, 5 में से 1/5 होगा मींस 20%, यहां पे कितना होता है एक एस और 6 होंगे सब मिला के, तो 1/6 इनटू कर दो 100, तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे 16.7%, और यहां पे आपका आ जाएगा 1/7 इनटू कर दो 100 तो आएगा 14.3%। सिंपल तरीका होता है, हमने मान लो इसमें निकालना था, कैसे निकाला अपने इतना वैल्यू, हमारे पास कितना है ऑर्बिटल्स एस प्लस 3p प्लस 2d, कितना हुआ टोटल 6 ऑर्बिटल्स, आउट ऑफ 6 ऑर्बिटल कितना आपका है s, s आपका दिया 1 ऑर्बिटल, तो हम क्या बोलेंगे व्हाट इज परसेंटेज s करेक्टर इन सच क्वेश्चंस, जितना हमारा जिसका निकालना उसका कितना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1, टोटल दिया है 6 इनटू कर दो 100, तो ये आपका आएगा ये वाला आंसर। ऐसे ही आपका जो इस वाले में था 1 HCF6 में क्या होगा परसेंटेज एस करेक्टर, सिंपल है हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3, तो 1 s ऑर्बिटल, टोटल वी हैव हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 3 + 3 + 1 7 हो गया इनटू 100, तो ये आपको दे देगा कैलकुलेशन करने पर वैल्यू 14.3%। ऐसे निकाला होता है हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम का। इसको हम अगर लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 30th डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ASF का होता है इट इज F नेगेटिव एंड एक्सेप्टर, तो क्या होगा फिर A का आंसर, इट चेंज टू व्हाट HCF विल चेंज टू प्लस फॉर्म कटाइनिक फॉर्म, और ये आपको जाएगा AsF6-। बिट B में क्या होगा, ये क्या होता है HF, यहां पे क्या होता है HF कैन टेक F नेगेटिव एंड फॉर्म HF2-, तो इट इज अगेन एक्टिंग एज F नेगेटिव एक्सेप्टर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहां पे क्या बनेगा HCF5+ बन जाएगा, और यहां पे बनेगा HF2-। HF can act as F negative and acceptor because of strong hydrogen bonding of HF molecules in F negative ions. No covalent bond. अगला bit C दिया है RBF. F क्या होगा इसमें से ionic form ना होता है and it can be donated easily. तो यहाँ पे क्या है RBF is acting as F negative ion donor. तो ये हो जाएगा F negative ion acceptor और क्या बनेगा RB plus और ये बनेगा HCF7 negative ion. तो यहां पर क्या हुआ HCF6 is acting as F negative ion acceptor will change to HCF7 negative ion और ये कटायन बन जाएगा आपका RB+, that is how we can explain these all questions, okay? तो यहां तक हम ये पी ब्लॉक एलिमेंट को फिलहाल खत्म करेंगे, एमसी के क्वेश्चन नहीं किया बिकॉज एमसी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, थ्योरी आपका ठीक से पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन आपके एमसी को अपने आप हो जाएंगे, इनफैक्ट इन्हीं में से बनता है क्वेश्चन एमसी को टाइप बन सकते हैं, कितना परसेंटेज एस करेक्टर है हर एक लाइन से आपका एक क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू टाइप का। ओके थैंक यू, तो ये हमारा टॉपिक खत्म है पी ब्लॉक एलिमेंट्स।